थर्ड ईयर फ्रेंड दिस इज दिवाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल योर वेलकम। मैं पिक्चर सेट यहाँ पर पट है फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर सेकंड एनिमल फाइलम आर्थ्रोपोडा सेकंड एनिमल पहली प्लेनेटा द कॉमन काक्रोच पहली प्लेनेटा अमेरिकानो द कॉमन काक्रोच। तो सेकंड एनिमल फाइलम आर्थ्रोपोडा का है यहाँ पर फर्स्ट पिरान्था सबसे लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है इसकी स्पीसीज अप्रोक्सीमेट 80% जो है स्पीसीज पाई जाती है इंसेक्ट की क्लास और जो कि यहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन है क्लास इंसेक्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट इन एनिमल किंगडम एस देयर मोर स्पीसीज इंसेक्ट अबाउट 80,000 देन ऑल ओवर द स्पीसीज ऑफ एनिमल कंबाइन इंसेक्ट आर द एयर ब्रीथिंग एंड असली फिलाइंग आर्थ्रोपोडा दे आर द डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर आर्थ्रोपोड बाय द पॉसिंग ऑफ 3 pair ऑफ लिंग्स एंड असली 2 pair ऑफ द विंग्स द इंसेक्ट इनक्लूड द फिमलर्स एग्जाम्पल ऑफ काक्रोच ग्रासोपर हाउस फ्लाई यहाँ पर थ्री पेयर लेंग्स होती हैं और 2 pair विंग्स होते हैं। इनके करेक्टर यहाँ पर कौन से ग्रासोपर काक्रोच हनी भी है फिलाइज है हनी भी है सिल्कवाम है एक्सेट्रा काक्रोच अलोंग विथ बिलोंग टू द ऑर्डर इसका ऑर्डर यहाँ पर काक्रोच का आर्थ्रोप्टेरा है और क्लास इंसेक्टा है और यहाँ पर इसका क्लास इंसेक्टा है यहाँ पर जो कि यहाँ पर ये हानिकारक पेस्ट हैं इंडस्ट्री होस्टल्स चिकन्स और यहाँ पर किचन्स और वेयर हाउस एक्सेट्रा कॉमन पेट हो यहाँ पर बर्ड काक्रोच डेयरी में फिर स्पेनिश क्रश कुकारा कुकारा से बर्ड है जो काक्रोच से कुकारा से बना है फॉर द स्पीसीज ऑफ इंडिया इंडियन स्पीसीज इसकी यहाँ पर है दो स्पीसीज है बाल्टा में जर्मनी का जो कि जर्मन की है यहाँ पर जो कि कौन स्पीसीज पाई जाती है इंडिया में जो कि बैटेला जर्मेनियम जर्मेनिका बर्टा जर्मेनिका है यहाँ पर बर्टा जर्मेनिका बटेरिया जर्मेटा जो है बटेरिया जर्मिना का है जो यहाँ पर जर्मन काक्रोच है जबकि बटेला ओरिएंटलिस है और बटेला ओरिएंटलिस एंड ओरिएंटल काक्रोच यहाँ पर ये बटेला जर्मिनिका है जो जर्मन का काक्रोच है यहाँ पर बटेला जर्मिनिका जर्मन का काक्रोच है जर्म का यहाँ पर जर्मन काक्रोच है जबकि बटेला ओरिएंटल और ओरिएंटल काक्रोच पेरीप्लेटा अमेरिकाना अमेरिकाना काक्रोच ये सारे भारत के हैं पेरीप्लेटा अट्रोक्लेटा ये सारे भारत के हैं चार स्पीसीज हैं भारत की बटेला जर्मिनिका जर्मन का है बटेरमा जर्मिनिका जर्मन काक्रोच है और बटेलिया ओरिएंटलिस और ओरिएंटल काक्रोच ओरिएंटल काक्रोच पहली प्लेट ऑस्ट्रेलिया सीडी है और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलियन काक्रोच है पहली प्लेट ऑस्ट्रेलिया सी ये चार स्पीसीज पाई जाती हैं भारत में काक्रोच की जिसमें मोस्ट कॉमन बटेला ओरिएंटलिस है बलेटा ओरिएंटलिस और ओरिएंटल काक्रोच और पहली प्लेट अमेरिकन जो कॉमन इसकी स्टडी की गई है यहाँ पर द फॉलोइंग टेक्स्ट मेनली बायोलॉजी ऑफ फेरी प्लेनेट अमेरिकाना दे आर द अबाउट द 13 स्पीसीज ऑफ काक्रोच फाउंड इन द वर्ल्ड इस चैप्टर में यहाँ पर बात की गई है अमेरिकाना की फेरी प्लेनेट अमेरिकाना स्पीसीज है अमेरिकाना स्पीसीज की यहाँ पर इसमें अध्ययन किया गया है फेरी प्लेनेट अमेरिकाना बाज ओरिजिन नेम बल्टा अमेरिकाना इसका यहाँ पर ओरिजिन है बलाटा और अमेरिकाना
वाई द लीनियस ने यहाँ पर नाम डाला था, बल्टा अमेरिकाना लीनियस ने नाम दिया था, डीगर डीगर कार्ट बल्टा ककेरिन का लेख। जननिक नेम है पेरीप्लेनेटा का, वो यहाँ पर है बर्मिस्टन ने यहाँ पर नाम दिया था, पेरीप्लेनेटा नाम दिया था जो बर्मिस्ट ने, और जो अमेरिका ना बल्टा दिया था, बल्टा अमेरिका ना वो किसने दिया था, वो लीनियस ने दिया था बल्टा। बर्मिस्टन ने यहाँ पर जो पेरीप्लेनेटा है, पेरीप्लेनेटा यहाँ पर नाम दिया था और पेरीप्लेनेटा बर्मिस्टन ने दिया था। बल्टा वो बल्टा अमेरिका ना उत्पत्ति की बात है, ओरिजिन कहाँ हुआ था इसका, यहाँ पर ट्रॉपिकल अफ्रीका में हुआ था ओरिजिन, यहाँ पर ओरिजिन होने यहाँ पर ट्रॉपिकल अफ्रीका नॉट अमेरिका, अफ्रीका में हुआ था, इसलिए यहाँ पर इसे ट्रॉपिकल अफ्रीका में इसका ओरिजिन नाम ओरिजिन हुआ था माना जाता है, नॉट अमेरिका। इट प्रीवियसली बिलीव डेट प्रीवियसली बिलीव द टूडे एक्सिस्ट आर द ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट हैज बिकम इस्टेब्लिश्ड ऑलमोस्ट थ्रू आउट द इंडिया। इसके बाद यहाँ पर टूडे जब इसके सारे पूरे भारत में बस विश्व के सभी भागों में बटा हुआ है, बिकम इस्टेब्लिश्ड थ्रू आउट द ऑलमोस्ट थ्रू आउट द इंडिया में फैल गए इसके सारे जीनस जीन और स्पीसीज, और यहाँ पर सिस्टमेटिक पोजिशन है जैसा कि फाइलम आर्थ्रोपोडा चल ही रहा है, यहाँ पर सेकंड एनिमल है काकरोच, द कॉमन काकरोच पेरीप्लेनेटा क्लास इंसेक्टा है इसका, और सब क्लास इसका टेरिजो वगैरह। ऑर्डर की बात करता है, ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर पूछा जाता है ज़्यादातर, और क्लास पूछा जाता है ज़्यादातर, इंसेक्टा क्लास है और ऑर्डर इसका आर्थ्रोपोडा स्पीसीज अमेरिकाना, और यहाँ पर जीनस पेरीप्लेनेटा। काकरोच कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ पर एक डैम्प में पाया जाता है, प्लेंटी ऑर्गेनिक जहाँ पर फूड होता है वहाँ पर पाया जाता है ऑर्गेनिक, डेवोवर बारम स्थान पर पाया जाता है बारम मंथ में यानी गर्मियों के समय में, एंड काकरोच आर कॉमन आउटडोर घर से बाहर, अकरिंग इन द सीवर मैन होल्स ड्रम्प आउट बोल्डिंग्स एंड बोल्ड पाइल्स इंडोर दे आर कॉमन पेट इन द किचन में एंड लेटरिन किचन, और यहाँ पर जो है लेटरिन में ज़्यादा ये पाए जाते हैं लेटरिन किचन के होल्स में, कहाँ कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं आउटडोर यहाँ पर आउट बोल्डिंग्स बोर्ड पाइल्स में पाए जाते हैं, इंडोर में यहाँ पर आउटडोर यहाँ पर फूड पाइल्स में पाए जाते हैं, जबकि मैन होल में पाए जाते हैं सीवर की। तो यहाँ पर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, आउटबिल्डिंग में बोर्ड पाइल्स में पाया जाता है, इंडोर में पाया जाता है किचन, और यहाँ पर लेटरिन्स हॉल्स रेस्टोरेंट्स गोडाउन्स स्टोर रूम्स बोर्ड शिप्स एक्सेट्रा। द ओरिएंटल काकरोच प्रेफर सम्भाट कूलर, जो ओरिएंटल काकरोच है वहाँ पर कुछ कूलर जगह प्लेस प्लेस देंस दिज कॉमन को फाउंड इन द टॉयलेट एंड बिहाइंड द बेथ एंड सिंक्स। कौन सा ओरिएंटल काकरोच, काकरोच आर नॉक्चर होता है यहाँ पर रात्रिचर होता है ये क्रिएचर, ड्यूरिंग द डे टाइम रिमेन द इनएक्टिव होल्ड हाइडिंग द नैरो प्लेटेड बॉडी अडेप्टेड फॉर स्लीप इन टू द नैरो क्रिक्स एंड एक्सिविक्स ड्यूरिंग द नाइट दे स्लो मोस्ट मच एक्टिव एंड रन देयर हेयर सर्च फॉर दे आर क्रूशियल इंसेक्ट सेक्टर रन फास्ट रनर फास्टनर और रिली रिसोर्ट फ्लाइट इट हैज द बीन रिपोर्टेड डेट 25 सेल्सियस पेरीप्लेनेटा रन फ्रॉम 70
72 और 1730 पर सेकेंड बींग पर सेकेंड 1 से 300 सेंटीमीटर की दूरी 1 सेकेंड में पार कर देता है। 70 से 130 बींग ओमनीवेरस, यहाँ पर ओमनीवेरस है एंड स्कैवेंजर डाइट दे आर डेवोर एनिमल आर एनिमल डेवोर डेवोर एनिमल आर द वेजिटेबल सबटेंट नॉन लिविंग मटेरियल्स लाइक लीदर लीदर पेपर क्लॉथ एक्सेट्रा काजिंग ग्रेट लॉस। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, साइज इसका काकरोच का किस तरीका होता है, साइज की बात करें तो कलर सिंचिंग रेडिंग होता है 44 से 44 इसका यहाँ पर लेंथ होती है 8 से 10 यहाँ पर वेंथ होती है। शाइनिंग रेडी होता है ब्राउन इज पाल येलो एंड अराउंड इज टेग्रम प्रोटेनम एंड प्रोथेरेक्स एंड टू पैचेस ओवर इट। एग्जोस्केलेटन इसका बना होता है यहाँ पर किसका, एग्जोस्केलेटन यहाँ पर जो है एग्जोस्केलेटन एक्सटर्नली नॉन लिविंग मटेरियल होता है ब्राउन कलर हार्ड जॉइंटेड काइटिनाउस जो सिलेटन होता है काइटिनाउस पॉलीसेकेराइड का बना होता है प्रोटीन लेयर और काइटिनाउस बना होता है पॉलीसेकेराइड का जिसका सूत्र है 52-54-21 फार्मूला पॉलीसेकेराइड का। स्केलेट सेवरल प्लेट होनी होती है जिन्हें स्केलेट कहते हैं। एग्जोस्केलेटन बॉडी फॉर्मेड द लेयर ऑफ द क्यूटिकल एंड बाल सेक्रेट बाय द अंडरलाइन हाइपोडर्मिस डिवीजन ऑफ बॉडी डिवीजन यहाँ पर 3 भागों में बटी होती है हेड थोरेक्स और एब्डोमेन। डॉर्सल व्यू है और ये वेंट्रल व्यू है दोनों यहाँ पर हैं। यहाँ पर ये सारे पूरा डिस्क्रिप्शन किया है। यहाँ पर कंपाउंड आई है कंपाउंड आई हेड ये फोर विंग्स है ये हाइंड विंग है। यहाँ पर इसमें 10 सेगमेंट पाए जाते हैं ये 10वां सेगमेंट है। ये एनएल स्टाइल है जो कि केवल मेल में पाई जाती है। ड्रिलिंग है यहाँ पर ये मेजोथोरैक्स ये मेटाथोरैक्स है ये फोर लेंग्स है और ये एंटीना है 2 एंटीना है यानी 1 पेयर एंटीना होते हैं। यहाँ पर विंग्स हैं रिस्पॉन्स विंग ये एनल थ्री भी दोनों में पाई जाती है मगर एनल स्टाइल एक में पाई जाती है केवल मेल में। एनल सरसी और सरकर दोनों में पाया जाता है। यहाँ पर CVIMCPD यहाँ पर है FTT, CFTT, TCP यहाँ पर इसके जो सेगमेंट हैं ये हैं पर कोब्जा फीमर टिबिया टर्केंटर टार्सस क्लाउस और पल्विनस यानी CFTT CB। यहाँ पर ये डॉर्सल मेल का टिप्चर है ये मेल है ये फीमेल है ये डॉर्सल व्यू है ये वेंट्रल व्यू है। 10 सेगमेंट होते हैं पूरी बॉडी में है। ये कंपाउंड आई एंटीना है यहाँ पर ये क्लेवी शेप है जो कहते हैं जो आगे निकला हुआ कैप्सूल होता है सिर्फ क्लेवी शेप कहते हैं। कोचे का ये लेवेलियम है ये मैंडिबल है ये मेंटम है यहाँ पर ये मेंटम ये भी है और लाइसेनिया है यहाँ पर ये गिलिया है और ओसीपिटल है यहाँ पर ओसीपट और सब मेंटम है ये यहाँ पर जीना है ये और स्टीपिस है मैगजिली पल्प हैं ये बड़े वाले दोनों ये लेबेलिय पल्प है ग्लोसा है यहाँ पर जब इब्रियो होती है तो इब्रियो में यहाँ पर 6 सेगमेंट होते हैं अडल्ट में पूरे 10 होते हैं।
नेक जो है, नेक यहाँ पर नेक या सेल्विक होती है, इसमें 4 काइटिन और प्लेट पाई जाती है नेक में, और 2 डार्सल होती हैं और 2 वेंट्रल होती है नेक में। 4 नेक में 4 पाई जाती हैं, 4 पाई जाती हैं नेक में, इसमें के 4 प्लेट पाई जाती हैं, 2 डार्सल होती हैं और 2 वेंट्रल होती हैं। एक जो स्केलेटन ऑफ हेड, हेड का एक जो स्केलेटन है वो यहाँ पर होल हेड इज द कवर्ड नंबर ऑफ काइटिन और प्लेट, स्केलेट जैसे कहते हैं, जो कि यहाँ पर हेड बनाते हैं जिसे कैप्सूल कहते हैं। हेड या कैप्सूल दे फ्यूज आर द फ्लेक्सिबल लाइंस कॉल द सचर्स, जो यहाँ पर फ्यूज मार्जिन होती है जो कि फ्लेक्सिबल लाइंस दिखाई सचर्स कहते हैं, लाइंस होती है जिन्हें सचर्स कहते हैं। एक्सोस्केलेटन यहाँ पर हेड बना होता है, कंटिन्यूड स्केलेट प्लेट या स्केलेट बनी होती है नंबर ऑफ, जिससे फ्यूज होकर यहाँ पर विसाइबल होती हैं लाइन की तरह, जिसे सचर्स कहते हैं। टॉप ऑफ वर्टिब्रा हार्ट, टॉप और वर्टेक्स ऑफ हेड फॉर्मेड बाई 2 एपिक्रेनियल प्लेट जॉइंटेड इन द फ्रंट बाई एन इन्वर्टेड बाइसेप्ड कोरोनल एपिकल सचर्स, द अनपेयर्ड ट्राइंगल फ्रंट लाइज बिटवीन द आर्म्स ऑफ एपिक्रेनियम सचर्स, ए ब्रॉड रेक्टेंगुलर क्रेविसेप्स आर द लोअर पार्ट ऑफ द फेस, लोअर पार्ट होता है फेस का वहाँ पर क्रेविसेप्स कहते हैं। बोर्ड और आयताकार स्ट्रक्चर होता है जिसे क्रेविसेप्स कहते हैं, लोअर साइड पर पाया जाता है हेड के, लोअर साइड पर पाया जाता है। और ईच साइड हेड कंपाउंड आई, तो प्रत्येक आई यहाँ पर कंपाउंड आई होती है जो कि चीक चीक से या फिर गेनी में पाई जाती है, चीक से या फिर गेनी। अपेंडेज ऑफ हेड, और हेड के अपेंडेज, हेड बेयर ए नंबर ऑफ जॉइंट, जॉइंट अपेंडेज ऑन द डार्सो लेटरल साइड, लार्ज रेनिफॉर्म एंड ब्लैक कंपाउंड आई इसमें होती हैं, लार्ज रेनिफॉर्म ब्लैक कंपाउंड आई होती हैं जस्ट फ्रंट ऑफ ईच आई, प्रत्येक ईच आई के सामने लार्ज रेनिफॉर्म ब्लैक जो है कंपाउंड आई होती हैं। लॉन्ग सिलेंडर एंड मल्टी सेगमेंटेड एंटीना इसमें पाया जाता है। इनर बेस ऑफ द एंटीना इस्तेमाल होता है और ब्राइटिस इसे फनेस्ट्रा कहती है, तो बेस ऑफ एंटीना इज स्मॉल राउंडेड विद ब्राइटिस और द फनेस्ट्रा, ब्राइटिस एरिया या फनेस्ट्रा कहते हैं यहाँ पर। लोअर एंड ऑफ द हेड बेयर पेरिओरल कैविटी माउथ, पेरिओरल कैविटी माउथ सराउंडिंग बाय द माउथ पार्ट्स, दीज कंसिस्ट ऑफ लेबेरियम लेवेरम एंड मैंडिबल्स मैगजिली लेवेरियम एंड हाइपोपरिनिक्स। तो यहाँ पर जो लोअर एंड होता है हेड का लोअर एंड होता है हेड का जिसमें यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, पेरिओरल कैविटी माउथ और यहाँ पर माउथ पार्ट पाए जाते हैं, दिस कंसिस्ट ऑफ लेवेरियम जो माउथ है जो उसमें बना होता है लेवेरम मैंडिबल मैगजिली लेबियम एंड हाइपोपेलनिक्स। कितनी चीज़ें हैं, 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें हैं, क्या क्या है, लेबेरियम लेबियम लेबियम लेबेरियम लेबियम लेबेरियम मैंडिबल हाइपोपेलनिक्स और मैगजिली। तो डाउनवर्ड माउथ होते हैं, डाउनवर्ड जो माउथ पार्ट विथ डायरेक्टेड डाउनवर्ड उसे कहते हैं हाइपोपरेनिक्स, हाइपोगेंथोस माउथ पार्ट जो डाउनवर्ड होते हैं उसे कहते हैं हाइपोगेंथोस। थोरेक्स यहाँ पर है, थोरेक्स मिडिल रीजन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 डिस्टिंक्ट सेगमेंट कॉल्ड द बैकवर्ड फ्रंट इज थोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स एंड मेजो और मेटाथोरेक्स। थोरेक्स 3 भागों में यहाँ पर बटा होता है, प्रोथोरेक्स मेजो और मेटाथोरेक्स। एक्सोस्केलेटन ऑफ द सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ डोर्सल टेगमेंट और द नोटेटम, एक्सोस्केलेटन होता है इस सेगमेंट का
जो कि डोर्सल ट्रैगमा में या फिर नेप्टम का बना होता है। वेंट्रल स्टेनम ट्रैगम ऑफ द पोर्थेव इज लार्जेस्ट कॉल द प्रोट्रैगम। जो यहाँ पर एग्जोस्केलेटन होता है ईच सेगमेंट का वो बना होता है यहाँ पर डोर्सल ट्रैगम या फिर नोटम का। एग्जोस्केलेटन होता है एग्जोस्केलेटन ऑफ ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ ए डोर्सल ट्रैगम ऑफ द नोटम एंड वेंट्रल स्टेनम ट्रैगम ऑफ द पोर्थेव इज लार्जेस्ट एंड जो यहाँ पर एग्जोस्केलेटन है एग्जोस्केलेटन ऑफ ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ डोर्सल ट्रैगम एग्जोस्केलेटन ऑफ ईच सेगमेंट एग्जोस्केलेटन ऑफ ईच सेगमेंट जिसमें यहाँ पर ट्रैगम या फिर नोटम का बना होता है डोर्सल साइड पर और जो कि वेंट्रल को स्टेनम कहते हैं। एग्जोस्केलेटन जो डोर्सल पर होता है जो ट्रैगम या फिर स्टेनम कहते हैं और वेंट्रल वाले को स्टेनम कहते हैं। डोर्सल को यहाँ पर क्या कहते हैं टी टर्नम या फिर नोटम वेंट्रल को कहते हैं यहाँ पर वेंट्रल को कहते हैं स्टेनम। लार्जेस्ट जो एरिया हो ट्रैगम का लार्जेस्ट एरिया उसे कहते हैं प्रोटर्नम। प्रोटर्नम टर्नम जो हैं डोर्सल सरफेस के स्ट्रक्चर हैं और जो स्टर्नम है वो वेंट्रल सरफेस का स्ट्रक्चर है। इट प्रोजेक्ट फॉरवर्ड यहाँ पर ये प्रोजेक्ट आउट होता निकला हुआ आगे की ओर कंसील द नेक नेक से जुड़ा होता है। ईच प्रोथेरिक सेगमेंट बियर वेंट्रली ए पेयर ऑफ नाइन जॉइंटेड बंकिंग लिंक्स। ईच थोरिक सेगमेंट बियर वेंट्रली ए पेयर ऑफ नाइन जॉइंटेड बंकिंग लिंक्स। ईच थोरिक सेगमेंट जो हैं वेंट्रली होते हैं यहाँ पर नाइन जॉइंटेड लिंक्स। ईच थोरिक सेगमेंट होता है जिसमें नाइन जॉइंटेड वॉकिंग लिंक होते हैं थोरेक्स में नाइन वॉकिंग जॉइंटेड लिंक्स होते हैं। बाइल द मेंजा और मीजो और मेटाथोरक्स में ईच बियर ए पेयर विंग्स। मीजो और मेटाथोरक्स में केवल एक एक पेयर विंग्स पाए जाते हैं और बाकी जो थोरेक रीजन है वहाँ पर नाइन वेंट्रली जॉइंटेड वॉकिंग लेंथ पाए जाते हैं। कहाँ पर थोरेक सेगमेंट पर पाए जाते हैं मीजो और मेटाथोरक्स पर पाए जाते हैं वन पेयर ए पेयर विंग्स पाए जाते हैं डोर्सली होते हैं जो कि अक्सेट इन द विंगलेस फीमेल ऑफ फीमेल में यहाँ पर विंगलेस फीमेल बल्टा को छोड़कर समय में पाए जाते हैं। यहाँ पर नाइन पेयर बल्किंग लेंथ पाए जाते हैं थोरेक्स में प्रोथेरेक्स में सिर्फ विंगलेस फीमेल को छोड़कर बल्टा और एंटीलेस टू पेयर ऑफ द ट्रेकिया ओपनिंग और स्पाइकल्स ट्रेकियल ओपनिंग या स्पाइकल्स पाए जाते हैं टू पेयर्स ऑफ ट्रेकियल ओपनिंग या स्पाइकल्स पाए जाते हैं प्रेजेंट ऑन द लेटरल फ्लेवुलर थोरेक्स लेटरल और पेरोल थोरेक्स पर। स्पाइकल कहाँ पर पाए जाते हैं टू पेयर यहाँ पर और लेटर स्पाइकल कहाँ पाए जाते हैं लेटर स्पाइकल प्रेजेंट ऑन लेटरल फ्लेवुलर थोरेक्स लेटरल प्यूरल थोरेक्स पर पाए जाते हैं स्पाइकल्स। एब्डोमिन यहाँ पर थर्ड पार्ट है। द पोस्टीरियर रीजन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द एब्डोमिन इट इज ब्रॉडर देन द थोरेक्स एंड डोर्सोवेंट्रली एफिलेटेड। एब्डोमिन जो है पोस्टीरियर रीजन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एब्डोमिन इट इज ब्रॉडर देन द थोरेक्स एंड डोर्सोवेंट्रली एफिलेटेड। एब्डोमिन अडल्ट कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट एब्डोमिन में यहाँ पर 10 सेगमेंट पाए जाते हैं जो कि एम्ब्रियो है 11 सेगमेंट एम्ब्रियो में 11 सेगमेंट होते हैं एब्डोमिन में जो है एब्डोमिन एम्ब्रियो है उसमें 11 सेगमेंट होते हैं थोरेक्स में यहाँ पर कितने सेगमेंट थे थोरेक्स में यहाँ पर 9 बाकी लेंथ पाए गए थे
तो अडल्ट जो है कंसिस्ट होते हैं इसमें 11 सेगमेंट एब्डोमेन में, जबकि जो एम्ब्रियो है एम्ब्रियो में यहाँ पर 11 होते हैं, अडल्ट में यहाँ पर 10 होते हैं सेगमेंट। नॉट सेगमेंट, नॉट ऑल सेगमेंट आर विजाइबल एक्सटर्नली, सभी सेगमेंट नहीं एक्सटर्नली दिखाई नहीं देते हैं। द हाइंडर सेगमेंट रिमेन समवॉट कंसील्ड, 8 पेयर ऑफ द वेंट्रिकल ओपनिंग आर द स्पाइकल आर प्रेजेंट ऑन द फिलोगर ऑफ फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। तो यहाँ पर 8 पेयर जो है, 8 पेयर जो ट्रेकियल ओपनिंग्स हैं या फिर स्पाइकल्स, 8 पेयर यहाँ पर ट्रेकियल ओपनिंग या स्पाइकल पाए जाते हैं पिलोगर फर्स्ट एब्डोमिनल पर और 8 सेगमेंट पर, और 2 यहाँ पर 2 जो हैं स्पाइकल पाए जाते हैं, 2 स्पाइकल पाए जाते हैं पर थोरैक्स पर, और 8 पाए जाते हैं एब्डोमिनल पर। तो स्पाइकल कितने होते हैं, 10 होते हैं, जिसमें 8 पाए जाते हैं यहाँ पर एब्डोमिनल सब एब्डोमिनल पर, और बाकी 2 पाए जाते हैं यहाँ पर बताया गया था भी, 2 पाए जाते हैं स्पाइकल्स, 2 स्पाइकल्स पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं यहाँ पर थोरैक्स पर, 2 थोरैक्स पर, और 8 जो है एब्डोमिनल पर पाए जाते हैं, यानी टोटल 10 स्पाइकल्स होते हैं या फिर ओपनिंग ट्रेकिल ओपनिंग। अब एग्जोस्केलेटन जो है वो यहाँ पर एग्जोस्केलेटन जो किस तरीका होता है, एग्जोस्केलेटन जो है सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ द डोर्सल और टर्गम टर्गम एंड वेंट्रल स्टर्नम। एग्जोस्केलेटन है जो टर्गम और स्टर्नम का बना होता है, टर्गम होता है डोर्सल और स्टर्नम होता है वेंट्रल, जैसे कि बताया था टर्गम जो है डोर्सल होता है और स्टर्नम वेंट्रल होता है, जो कि यूनिट होता है सब क्यूटिकल बनाता है दोनों मिलकर। टर्गम ऑफ सेवन सेगमेंट ओवरलैप द 8 सेगमेंट एंड 9 सेगमेंट। टर्गम है यानी डार्सल सरफेस का जो डार्सल सरफेस का एग्जोस्केलेटन है, टर्गम ऑफ जो टर्गम है यहाँ पर 7 सेगमेंट का, टर्गम ऑफ और 7 सेगमेंट का है जो ओवरलैप करता है यहाँ पर, टर्गम ऑफ 7 सेगमेंट ओवरलैप टू ओवरलैप और 2 8 एंड 9 सेगमेंट जो यहाँ पर टर्गम यानी वेंट्रल सरफेस का जो सेगमेंट होता है वो ओवरलैप करता है 8 और 9 सेगमेंट का। 10th सेगमेंट ऑफ टर्गम प्रोजेक्ट बिहाइंड द फीली एस डिपली नोचली बीफी फाइट, वो 10th सेगमेंट है वो यहाँ पर प्रोजेक्ट बिहाइंड फीली 10th सेगमेंट प्रोजेक्ट फीली डिपली नोचल होता है बीफ वाई फीड। 10th सेगमेंट सबसे पीछे पाया जाता है प्रोजेक्ट फ्रीली होता है वो जो कि वीवी फाइड होता है नोचल प्लेट। एन एफ लाइज बिलीव द 10 टर्गम, NS 10 टर्गम के नीचे पाया जाता है बिटवीन द 4 पॉडिकल प्लेट, 4 पॉडिकल प्लेट के नीचे पाया जाता है। ए डोर्सल एपी प्रोक्ट ए वेंट्रल एपी प्रोक्ट, यहाँ पर 2 प्लेट पाई जाती है, एक डार्सल एपी प्रोक्ट होती है और दूसरा वेंट्रल एपी प्रोक्ट वेंट्रल प्रोक्ट होती है। 2 लेटरल पैराप्रोक्ट पाए जाते हैं जो NS 10 सेगमेंट पाया जाता है पॉडी, जो कि इसमें 4 पॉडिकल प्लेट पाई जाती हैं, 1 डोर्सल एपी प्रोक्ट होती है और यहाँ पर 1 वेंट्रल होती है एंड 2 1 डोर्सल 1 वेंट्रल होती है पॉडिकल, और 1 डोर्सल यहाँ पर 2 4 होती हैं यहाँ पर पॉडिकल्स, 4 पॉडिकल्स होती हैं जिसमें 1 डोर्सल होती है और 1 वेंट्रल होती है, 1 वेंट्रल और एपी प्रोडक्ट होती है और 2 जो हैं लेटरल पैरा प्रोडक्ट होती है, बीच में रिप्रेजेंट वेस्टिजियल ऑफ द 11th एम्ब्रियोनिक सेगमेंट, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है वेस्टिजियल 11th एम्ब्रियोनिक सेगमेंट, जो कि यहाँ पर 11th एम्ब्रियोनिक सेगमेंट बनाती है 4 प्रोक्टोडेलियल 4 पॉडिकल प्लेट पॉडिकल प्लेट हैं 4 जो बनाती हैं पर 11वें सेगमेंट जो कि वेस्टिजियल होता है। वेस्टिजियल सेगमेंट पूछता है कितने पाया जाता है एग्जोस्केलेटन में, एब्डोमिन अपेंडेज जो हैं कितने होते हैं, एब्डोमिन अपेंडेज
एंड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है यहाँ पर, एब्डोमेन अपेंडिज में और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है इसमें। और टेंट सेगमेंट बहुत सक्सेस में पाए जाते हैं, बियर रेयर ए स्मॉल फिलामेंट ऑफ सेंसरी एनल सिल्वी। तो एब्डोमेन शेयर है यहाँ पर, जो टेंट सेगमेंट है उसमें दोनों में पाई जाती है एनल सर्सी। द प्रोजेक्ट लेटली वन आयर साइड, यहाँ पर ये लिख लिया होती है लेटर साइड पर दोनों तरफ। और एट द पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड पर पीछे की ओर, और पीछे की ओर आखिर में अंत में। दे प्रोबेबली रिप्रेजेंट द 11 सेगमेंट, यहाँ पर ये जो है 11 सेगमेंट प्रेजेंट करते हैं, या 11 सेगमेंट प्रेजेंट करते हैं एनुअल सर्सी। ईच एनुअल सर्सी सर्कस इज मेड अप 15 सेगमेंट, यहाँ पर अब यहाँ पर एनुअल सर्की 15 सेगमेंट बना रहा है। पहले देखो प्रत्येक एनुअल सर्की है जो कि 11 सेगमेंट में पाया जाता है, मगर वो यहाँ पर वो सरसी है इस तरह से निकला हुआ था है, वो बना रहा था तरफ 15 सेगमेंट। पहले ये सोचो वो 15 सेगमेंट बना रहा है, ये एनुअल सर्सी है वो 15 सेगमेंट बना रहा है। तो टर्मिनल पूछ सकता है कि एनुअल सर्सी कितने सेगमेंट बनाता है, तो 15। और यहाँ पर एनुअल सर्सी कहाँ पर आ जाता है, पोस्टीरियर एंड पर, पोस्टीरियर वेंट्रल सरफेस पर और टेंट में सेगमेंट पर। वेंट्रल 11 सेगमेंट और टेंट सेगमेंट 11 सेगमेंट पर पाया जाता है एनुअल सर्कस 11 सेगमेंट। और इसमें सेगमेंट कितने पाए जाते हैं यहाँ पर, सर्सी में इसमें पाए जाते हैं यहाँ पर 11, वो 11 सेगमेंट पाया जाता है यहाँ पर ये, और जो ये बनाता है 15 सेगमेंट। यहाँ पर एनुअल सर्सी वो 11वां सेगमेंट प्रेजेंट करता है, मगर पाया नहीं जाता है 11वां पर, पाया जाता तो 10 पर है, मगर यहाँ पर प्रेजेंट करता है 11, तो मगर यहाँ पर इसमें सेगमेंट जो है एनुअल सर्सी में कितने पाए जाते हैं 15। टर्मिनल पार्ट एब्डोमिनल डिफरफ्राम टू सेक्सेस, ये टर्मिनल एब्डोमिनल पार्ट है जो कि दोनों सेक्स को अलग करता है। इन मेल एडिशनल एनुअल सर्की पाई जाती है, मेल में एक अतिरिक्त एनुअल सर्की पाई जाती है टेंटन स्टर्नम। बियर ए शॉर्ट अनजॉइंटेड 9th स्टर्नम है यहाँ पर, जो कि डोर्सल पार्ट का स्टर्नम बोलते हैं। थ्रेड लाइक एनुअल स्टाइल होती है जो आर अबसेंट इन द फीमेल, अनजॉइंटेड थ्रेड लाइक एनुअल स्टाइल पाई जाती है मेल में, जो कि एब्सेंट होती है फीमेल में। शॉर्ट अनजॉइंटेड थ्रेड लाइक एनुअल स्टाइल प्रेजेंट आर अब्सेंट इन मेल और फीमेल, यानी मेल में पाई जाती है। यहाँ पर द जेनाइटल अपर्चर का मेल इज प्रेजेंट बिटवीन 9th एंड 10th सेगमेंट पर, जेनाइटल अपर्चर 9 और 10th सेगमेंट पाया जाता है। और प्रोसेस यहाँ पर स्टर्नम पर और सरेंडर बाय द कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नाउन एज गोनोफाइसी, गोनोफाइसी। तो यहाँ पर जेनाइटल अपर्चर की बात करें, इसी में यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट एनिमल कौन सा था, फर्स्ट एनिमल यहाँ पर एर्थ्रोपोडा में यहाँ पर जो है 9th और 10th सेगमेंट पर यहाँ पर जेनाइटल पोर पाया जाता है, और उसमें पाया जाता था इसका फर्स्ट एनिमल प्राण है, प्राण में यहाँ पर 5वें सेगमेंट पर पाया गया था मेल जेनेटर पर्चर्स, और फीमेल 3 और तीसरे फीमेल तीसरे पर्चर पर पाया गया था, तीसरे सेगमेंट पर पाया गया था, बाकी नहीं पर प्राण में मेल फीमेल जेनेटर पर्चर तीसरे सेगमेंट पर पाया गया था बाकी लिंग के साथ, और जो है मेल का 5वें सेगमेंट पर पाया गया था। और इसमें यहाँ पर पेरिप्लेनेटा में 9 सेगमेंट पर पाया गया था, 9th और 10th सेगमेंट पर मेल जेनेटर पर्चर्स, और जो कि फीमेल अचर यहाँ पर 7 सेगमेंट पर पाया जाएगा फीमेल 7 पर। यहाँ पर जो प्राण में है उसमें 3 सेगमेंट पर पाया गया, और इसमें यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं पहली किलोमीटर में यहाँ पर 5वें सेगमेंट 7वें सेगमेंट पर, और प्राण में यहाँ पर 3 तीसरे सेगमेंट पर पाया गया फीमेल जेनेटर पर्चर। और यहाँ पर मेल जेनेटर पर्चर है प्राण में
तो पाया गया था यहाँ पर पाँचवें सेमी में, पर यहाँ पर पहली तीन आइटम में 9-10 पर पाया गया। ये एक कन्फ्यूजन ना हो इसलिए बार बार दोहरा हूँ, पेपर में यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है। फीमेल काक्रोच एब्डोमेन इज ब्रॉडर देन द मेल, फीमेल काक्रोच एब्डोमेन जो है थोड़ा चौड़ा होता है मेल से, मेल की तुलना में। जनरेटर पर जी लोकेट ऑन द 8 सेगमेंट और 7 सेगमेंट पर यहाँ पर पाया जाता है। मेल की बता रहे हैं तो मेल के 9-10 में और इसके में फीमेल में 8 सेगमेंट पर बता रहा है, 8 या फिर 7 भी हो सकता है। 7th स्टेम फ्रॉम अबाउट जनरेटर पाउच, तो जनरेटर पचर 8 पर पाया जाता है, जनरेटर पाउच पाया जाता है 7th और पचर पर, जो कि गैनो वेलकुलर पैड होती है। फ्रीक्वेंसली एग कोकन में सीन द प्रोजेक्टिंग फ्रॉम दिस, यहाँ पर जो है गैनो वेस्कुलर जो प्लेट है उससे यहाँ पर एग जो है कोकन एग कोकन बनता है। मे बी सीन प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द दिस, यहाँ पर प्रोजेक्टिव मेल जनरेटर पर फीमेल जनरेटर पर से देखा जा सकता है कोकन, जो कि प्रोजेक्टाइल निकला हुआ दिखाई दे जाता है। यहाँ पर अपेंडेज की बात करें काकरोच की, तो यहाँ पर यहीं तक रखते हैं ये पार्ट, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधा राधे, डोंट वरी बी हैप्पी। थ्योरी इसलिए पढ़ रहा हूँ, थ्योरी से अच्छे मतलब क्वेश्चन पक्का हो जाता है जो भी बनेगा। तो यहाँ पर थ्योरी के बाद एमसी की बात है, सबसे लास्ट में थ्योरी से यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं चलेगा, इसलिए वीडियो लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, और नए चैनल पर नए हो नए सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, राधा राधे, डोंट वरी बी हैप्पी। कोई भी डाउट वाला क्वेश्चन हो प्रैक्टिस सेट करेंगे तो यहाँ पर इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन थे डाउट क्लियर हो जाएगा।